हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की बुक में चैप्टर 11 हैंडलिंग डाटा क्या करेंगे, हैंडलिंग डाटा के बारे में जानेंगे। तो आपको, आप में से किसी को पता है कि हैंडलिंग डाटा क्या होता है? बताइए, यदि किसी को पता है तो बताइए क्या होता है हैंडलिंग डाटा। नहीं पता ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि हैंडलिंग डाटा क्या होता है। जैसे कि आपके पास किसी चीज का रिकॉर्ड है और आपको उसको डाटा के फॉर्मेट में रखना है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप क्लास 3 में पढ़ते हैं, तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स को ब्लू कलर पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को घूमना पसंद है, तो हम इसका फॉर्मेट अलग अलग रखेंगे। देखिए, जब हम इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हम इस रिकॉर्ड को एक साथ रखेंगे। तो एक तरीके से हमने एक ग्रुप का डाटा हैंडल किया। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब हम इसको, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से हम इसे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 गर्ल स्काउट्स सोल्ड कुकीज फॉर 1 month। 4 गर्ल्स का एक स्काउट है, स्काउट मतलब 4 लड़कियों का एक ग्रुप है, उन्होंने 1 महीने में कुकीज को बेचा। द लिस्ट ब्लो शोज हाउ मेनी बॉक्सेस वर सोल्ड बाई ईच गर्ल स्काउट। तो आपको, आप यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक लड़की ने कितने कुकीज को बेचा, कितने कुकीज के बॉक्सेस को बेचा है। तो देखिए क्या दिया गया है, मीना। क्या है? मीना। मीना ने कितने बॉक्सेस? 40। सोहिनी 35 बॉक्सेस। इला 15 बॉक्सेस। जीवी 50 बॉक्सेस। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। मीना ने कितने बॉक्सेस को सोल्ड किया? 40। सोहिनी ने 35 बॉक्सेस। इला ने 15 बॉक्सेस। जीवी ने 50 बॉक्सेस। इतनी बात सभी को समझ में आई? फिर क्या दिया गया है इसमें, यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द पिक्टोग्राफ ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक पिक्टोग्राफ टेबल बनानी है और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसकी, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो देखिए कि ईच स्माइली इक्वल 5 बॉक्सेस, मतलब आपको जो एक स्माइली दी गई है, ये कितने बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 बॉक्सेस को। कितने बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 बॉक्सेस को। इतनी बात सभी को समझ में आई? और आपको ये टेबल दी गई है जिसमें नेम दिया गया है मीना, सोहिनी, इला, जेब। क्या है? मीना, सोहिनी, इला और जेब। जीबी का शॉर्ट नेम लिख दिया है इधर, जेब। इतनी बात सभी को समझ में आई? इधर क्या दिया गया है? कुकीज सोल्ड। ओके, तो आपको पता लगाना है कि मीना ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे। मीना ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 40 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 40 बॉक्सेस। आप और एक स्माइली कितने बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 बॉक्सेस को। तो हम 5 का डिवाइड किस में देंगे? 40 में। किस में देंगे? 40 में। 5 का डिवाइड जब हम 40 में देंगे तो कितना रिमेनिंग होगा, कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा बताइए? कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा तो हम इधर कितनी स्माइलीज बनाएंगे? 8। कितनी स्माइलीज बनाएंगे? 8। क्योंकि 1 स्माइलीज कितने बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 बॉक्सेस को। ओके, तो हम स्माइलीज बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल किया, 2 आईज और लिप्स, 1 स्माइली, फिर 2 आईज, फिर लिप्स, 2 स्माइलीज, ऐसे ही बनानी है। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? कितनी स्माइलीज हो गई हमारी? 4।
अभी हमें कितनी और बनानी है? 4। ये बन गई हमारी 5। 5 के बाद क्या आएगा? 6। फिर 7 और फिर 8। समझ में आ गया? अब सोहिनी, सोहिनी ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 35 बॉक्सेस। तो अब क्या करेंगे बताइए? 5 का डिवाइड हम किस में देंगे? 35 में। तो कितने टाइम्स आएगा बताइए, कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। 5 की टेबल पे 35 कितने टाइम्स आते हैं? 7 टाइम्स। तो 7 का डिवाइड 7 स्माइलीज बनाएंगे हम इधर। क्या बनाएंगे? 7 स्माइलीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यो गए 7 स्माइलीज। अब इला ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 15। कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 15। अब 5 का डिवाइड हम किस में देंगे? 15 में। तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो हम इधर कितनी स्माइलीज बनाएंगे? 3। ये 1 स्माइली, ये 2nd स्माइली और ये 3rd स्माइली। अब जैप, जैप ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे? सबसे ज्यादा जैब ने किए थे। कितने सो, कितने बॉक्सेस? 50। कितने कितने बॉक्सेस? 50। अब 5 का डिवाइड हम 50 में देंगे तो कितने कितने टाइम जाएगा बताइए? 10 टाइम्स। तो हम इधर कितने स्माइलीज बनाएंगे? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमने स्माइलीज बना ली हैं। अब आपको नीचे इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर हमें इनके आंसर देने हैं जो टेबल हमने बनाई है उसकी हेल्प से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ कुकीज डिड द गर्ल्स सेल इन ऑल? इस क्वेश्चन की हिंदी है कि लड़कियों ने ओवरऑल कितने बॉक्सेस को सोल्ड किया था? तो बताइए कितने बॉक्सेस को सोल्ड किया था? मीना ने 40, सोहिनी ने 35 बॉक्सेस, इला ने 15 बॉक्सेस, जैवी ने 50 बॉक्सेस। बताइए तो क्या करेंगे? देखिए हम पहले स्माइलीज को काउंट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये कि पहले हम स्माइलीज काउंट कर लेंगे और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड तरीका ये है कि आपको जो बॉक्सेस दिए गए हैं 40, 35, 50, 50, ओवरऑल उन सबको आप ऐड कर लीजिए। ओके, मैं आपको पहले फर्स्ट तरीका बताती हूँ स्माइलीज को ऐड करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्या हुआ? 28। इधर हमने क्या लिख दिया? 28 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 स्माइली कितने को बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही थी? 5 को। तो हमने इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो ये क्या बन गया? 140। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ मैनी मोर बॉक्सेस ऑफ कुकीज डिड मीना सेल देन सोहिनी? आपको पता लगाना है कि मीना ने सोहिनी से कितने बॉक्सेस ज्यादा सोल्ड किए हैं।
मीना ने सोल्ड किए थे 40 बॉक्सेस, सोहिनी ने सोल्ड किए थे 35 बॉक्सेस, तो बताइए मीना ने कितने बॉक्सेस अधिक सोल्ड किए थे। हम 40 में से 35 माइनस कर देंगे, तो हमने 40 में से 35 माइनस किया तो कितना रिमेनिंग रहा, 5। तो मीना ने कितने बॉक्सेस मोर देन किया, 5 बॉक्सेस। ओके, थर्ड आपको दिया गया है, विच टू गर्ल्स सोल्ड अ टोटल ऑफ 75 बॉक्सेस ऑफ कुकीज। आपको उन टू गर्ल्स के नेम बताने हैं जिन्होंने, उन दोनों ने मिलकर कितने बॉक्सेस को सोल्ड किया है, 75। कितने बॉक्सेस को सोल्ड किया है, 75। अब बताइए सबसे हाईएस्ट क्या था, जेबी का। जेबी ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे, 50। और अगर हम उसमें इलाका ऐड करेंगे तो 50 में है, क्योंकि इला ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे, 15। अब 50 में हम 15 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 65। और हमसे ओवरऑल कितना टोटल पूछा है, 75। अब हम सोहिनी का चेक करेंगे, जेबी ने बॉक्सेस कितने सोल्ड किए, 50, हाईएस्ट उसी का है। अब सोहिनी ने कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे, 35। अब 50 में हम 35 बॉक्सेस सोल्ड करेंगे तो कितना आएगा, 85। और अगर हम मीना को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 90, क्योंकि मीना ने बॉक्सेस सोल्ड किए थे 40, जेबी ने बॉक्सेस सोल्ड किए थे 50। तो अब मीना जेबी, जेबी का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम चेक करेंगे इलाको, इलाका देखिए 15, और सोहिनी का हम ऐड करेंगे 35 बॉक्सेस तो कितना होगा, 50। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, 75, तो ये नहीं होगा। इलाको हम मीना के बॉक्सेस से ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलाके थे 15 और मीना के थे 40, तो 15 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 65, ये भी सॉरी 55 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा, सिर्फ मीना और सोहिनी, तो इसका आंसर क्या होगा, मीना एंड सोहिनी। ओके, क्योंकि मीना के कितने बॉक्सेस हैं, 40, सोहिनी के कितने बॉक्सेस हैं, 35। अब 40 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 75। ओके, अब आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाफ ऑफ द कुकीज सोल्ड बाय जेबी वर थिन मिंट्स, हाउ मैनी बॉक्सेज ऑफ थिन मिंट्स डेट जेबी सेल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जेबी ने आधे बॉक्सेस, कुकीज के बॉक्सेस किसको सेल किए थे, थिन मिंट्स को। तो इसमें पूछा है कि थिन मिंट्स के पास कितने बॉक्सेज हैं, जेबी ने टोटल कितने बॉक्सेस सेल किए थे, 50। ओके, 50 लिख लिया, और जेबी ने थिन मिंट्स को कितने बॉक्सेस सोल्ड किए थे, हाफ, तो हाफ का मतलब 2 का हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। अब 2 का डिवाइड हम 50 में देंगे तो क्या आएगा, 25 बॉक्सेस। ओके, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, और 50 का आधा क्या होगा, 25, क्या होगा, 25। तो जेबी के दो थिन मिंट्स के पास कितने बॉक्सेस हैं, 25 बॉक्सेस। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैं आपको ओरली समझाऊंगी और इसको आपको अपने आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। देखिए, 4 boys decided to sell fate tickets in their colony. The list below shows how much money was collected by each boy. 4 ladkon ne tickets ko bechne ka decide kiya aur un charon ke name hai Akhil, Shyam, Raghu, Aditya. Aur उन चारों बॉयज के द्वारा कितने रुपीस को कलेक्ट किया गया, कितने रुपए इकट्ठे किए गए, एक बात तो ये है। और आपको ये भी बताना है कि एक लड़के ने कितने रुपए इकट्ठे किए, ये भी दिया गया है। अखिल ने 75 रुपीस कलेक्ट किए, श्याम ने 30 रुपीस कलेक्ट किए,
रघु ने 60 रुपीज कलेक्ट किए, आदित्य ने 45 रुपीज कलेक्ट किए। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो आपको इसका भी एक पिक्टोग्राफ बनाना है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। इसमें आपको क्या है, क्या की यूज करनी है, रुपीज, क्या की यूज करनी है, रुपीज, और ये 1 रुपीज का साइन कितने रुपीज को इंडिकेट कर रहा है, 5 रुपीज को, कितने रुपीज को इंडिकेट कर रहा है, 5 रुपीज को। तो देखिए अखिल, अखिल ने कितने रुपए कलेक्ट किए थे, 75 कलेक्ट किए थे ना, तो 75 किए हैं तो हम 5 का डिवाइड किस में देंगे, 75 में, कितना आएगा बताइए, 5 का डिवाइड हम 75 में देंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 15, क्या आएगा, 15, तो हम इधर कितने रुपीस के साइन बनाएंगे, 15। श्याम ने कितने रुपीस कलेक्ट किए, 30, कितने रुपीस कलेक्ट किए, 30, तो 5 का डिवाइड देंगे हम 30 में, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, तो हम इधर कितने साइन बनाएंगे रुपीस के, 6, कितने बनाएंगे, 6। रघु, रघु ने कितने रुपीस कलेक्ट किए, 60, कितने रुपीस कलेक्ट किए, 60, तो हम जब 5 का डिवाइड 60 में देंगे तो कितना जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम्स, तो हम कितने रुपीस के साइन बनाएंगे इधर, 12, कितने बनाएंगे, 12। ऐसे ही आदित्य, आदित्य ने कितने रुपीस कलेक्ट किए, 45, तो हम 5 का डिवाइड किस में देंगे, 45 में। ये बात सभी को समझ में आ गई, तो जब हम 5 का डिवाइड 45 में देंगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, तो हम इधर कितने रुपीस के साइन बनाएंगे, 9, कितने रुपीस के साइन बनाएंगे, 9। ये बात सभी को समझ में आ गई। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच मनी डिड द बॉयज कलेक्ट केन ऑन, तो आपको पता लगाना है कि उन बॉयज ने टोटल कितना मनी कलेक्ट किया। तो अखिल ने, श्याम, रघु और आदित्य, उनके रुपीज आपको दिए गए हैं, तो आप उन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। दीवा सभी को समझ में आ गई। सेकंड दिया गया है, हाउ मच मोर मनी डिड रघु कलेक्ट देन आदित्य, रघु ने आदित्य से कितना ज्यादा अधिक पैसा इकट्ठा किया है, तो बताइए, रघु ने कलेक्ट किया था 60 रुपीज और आदित्य ने कलेक्ट किया था 45 रुपीज, तो आप उन दोनों को क्या करोगे, माइनस, क्या करोगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 60 में से हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15, क्या आएगा, 15, तो रघु ने कितने रुपए अधिक कलेक्ट किया उससे, 15 रुपीज। ये बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे ही आपको सी नंबर पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, विच टू बॉयज सोल्ड अ टोटल ऑफ रुपीज 120, कि ऐसे कौन से दो लड़के हैं जिनका टोटल कितना आ रहा है, 120, कि उन लोगों के मनी को कलेक्ट करके आप उन दोनों ने कितना रुपीज कलेक्ट कर लिया, 120, तो देखकर बताइए कितना हो, कौन से वो टू बॉयज है, अखिल और आदित्य, कौन है, अखिल और आदित्य, क्योंकि अखिल ने कितना कलेक्ट किया, 75, और आदित्य ने कलेक्ट किया 45, 75 में हम 45 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु सोल्ड मोर फैट टिकेट्स देन श्याम बट लेस देन रघु, किसने सबसे ज्यादा टिकेट्स बेचे, किससे, श्याम से, श्याम से ज्यादा किसने टिकट बेचे लेकिन रघु से कम, आपको उस लड़के का नाम बताना है जिसने श्याम से ज्यादा तो टिकट बेचे हो लेकिन रघु से कम, तो बताइए कौन है, सबसे ज्यादा तो अखिल के हैं, तो अखिल के तो नहीं होंगे, 75 है अखिल के, श्याम के कितने हैं, 30, श्याम के कितने हैं, 30,
रघु के कितने हैं? 45। सॉरी, रघु के कितने हैं? 60। तो अब कौन बचा? आदित्य। कौन बचा? आदित्य। और आदित्य के कितने हैं? 45। तो इसमें हम किस पर्सन का नेम लिखेंगे? आदित्य। किस पर्सन का नेम लिखेंगे? आदित्य। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया था, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क है कि आपको चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अपनी मैथ की नोटबुक पर नीट एंड क्लीन सॉल्व करने हैं। ओके, कल हम फिर से मिलेंगे। बाय।